दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट किस तरीके से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका जो अकाउंट है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा अकाउंट शो हो रहा है डिलीट करने के बाद, या हम उसको वापस से लॉग इन कर पा रहे हो। बट अगर आप जो मेरा मेथड है इसको फॉलो करोगे तो आपके सामने ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आपने डिलीट कर दिया तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अब स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है और यहां पे तीन लाइन होगी, इस पे क्लिक करना है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और आप सभी के सामने मोर इन्फो एंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें हेल्प का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पे आप क्लिक कर दोगे तो यहां पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, हेल्प सेंटर करके। हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। राइट साइड के अंदर तीन लाइनें हैं, इस पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। इसमें लिखा है मैनेज योर अकाउंट। मैनेज योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने डिलीट योर अकाउंट साफ साफ यहाँ पे शो करेगा। इस पे आपको फिर क्लिक करना है। ये जैसे ही कर लोगे तीन ऑप्शन आप सभी के बीच में आ जाएंगे। पहला है टेम्पररी डीएक्टिव योर इंस्टाग्राम अकाउंट, दूसरा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, और तीसरा है एक्सेस एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्टाग्राम। तो यहीं पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता जिससे कि मैं क्लिक करके डिलीट कर दूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस और भी बाकी सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। और जो थर्ड है एक्सेस एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्टाग्राम, इस पर भी आप क्लिक करोगे तो यहां पर भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मैं स्क्रॉल करके आपको सारी चीजें यहां पे दिखा रहा हूं। एकदम हम नीचे तक आ चुके हैं, कोई भी हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा जिससे कि हम डायरेक्टली डिलीट कर पाए। तो यहां पे हमें करना क्या है फिर, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है टेम्पररी डीएक्टिव योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और आप सभी के सामने नोट करके लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम। यहाँ पे लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा। डिलीट योर इंस्टाग्राम के नीचे एंड्रॉइड ऐप हेल्प है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे चार पांच ऑप्शन आएगा। इन ऑप्शनों में से आपको मोबाइल ब्राउजर हेल्प वाले जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ ये ध्यान से आप रखोगे तभी आप सही तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। मोबाइल ब्राउजर हेल्प पे आपको टिक करके रखना है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो डिलीट योर अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है साफ साफ, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फिर इस टाइप का इंटरफेस आएगा डिलीट योर इंस्टाग्राम करके, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है टेम्पररी करके, जो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। यहाँ पे होता क्या है कि आपको एक रीजन देना पड़ता है जिसकी वजह से आप इसे बंद करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली। तो यहाँ पे लिखा है व्हाई डू यू वांट टू डिलीट, ठीक है। आपकी आईडी है जो भी है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको सही लगता है, जिस वजह से आप इस चीज को कर रहे हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिएट अ सेकेंड अकाउंट, टू मैनी एड्स, वॉन्ट टू रिमूव समथिंग। तो इनमें से जो भी आपको लगता है उस पर कर सकते हो, ठीक। तो मैं करता हूँ क्रिएट अ सेकेंड अकाउंट। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे री एंटर योर पासवर्ड बोलेगा। तो आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट पर जाना है, डिलीट, और आपकी आईडी लिखी है। जैसे आप इसको डिलीट कर दोगे आपके सामने ओके का बटन आएगा, कंफर्म करके आप ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है इफ यू कंटिन्यू योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल विल डिलीटेड ऑन April 22, 2024। यहाँ पे आपको एक डेट देखने को मिलेगी जो कि 22 अप्रैल है, आज से एक महीने बाद की डेट है। आज की जो डेट है वो है 23 मार्च। आपके पास एक महीने का टाइम होता है। इस एक महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि जो मैंने अपना अकाउंट है डिलीट कर दिया है परमानेंटली, ये मुझे अकाउंट वापस से चाहिए, तो आपके पास एक महीने का टाइम है, वापस जाके आप लॉगिन कर सकते हो और आपका अकाउंट वापस आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपको पता है कंफर्म कि नहीं मुझे अब ये अकाउंट चाहिए ही नहीं और मुझे ये चाहिए कि अकाउंट कहीं शो भी ना हो, ठीक है, परमानेंटली ख़त्म हो जाए, तो उस सिचुएशन
डिस्क्रिप्शन में आपको अप्रैल 22 जो भी आपकी डेट शो करेगी आपके फ़ोन के अंदर, वो ऑलमोस्ट एक महीने की ही डेट शो करती है हर जगह पे, ठीक है। मेरे लिए भी एक महीने का टाइम है, आपके लिए भी एक महीने का टाइम है, तो आपको इस एक महीने के बाद आप जाके देखोगे तो आपका जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम पे सर्च में नहीं आएगा, ठीक है, और उसके साथ आप खुद भी लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये एक महीने का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, और आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे उसको लॉगिन नहीं करोगे, सर्च वगैरह में तो आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक महीने का जो प्रॉपर टाइम पीरियड है इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था, आई होप सो कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, और सही तरीके से आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप जो मैंने बताया वो सब हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वापस से लॉगिन कर पा रहा हूँ, मेरा अकाउंट शो कर रहा है, वो इसी वजह से शो कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ कंडीशन लिखी गई है और वो कंडीशन मैंने आपको बता दी, और आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।